क्या हाल चाल है यार, वेलकम बैक टू H1b.fun। मैं आपका होस्ट गोल्डी, वेलकम टू H1b वीडियो सीरीज़, जिसमें मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ जिससे आप अगर H1b पे या तो हो या आने का प्लान कर रहे हो तो शायद आपको कुछ इनसाइट्स मिल पाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बढ़ पाए। पिछली वीडियो में हमने बात किया था H1b लॉटरी सिस्टम के बारे में कि कैसे USCIS जो अमेरिकन सरकार है वो डिटरमिन करती है कि जो 85,000 वीज़ास पूरे एक साल में अमेरिका देता है वर्क परमिट, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ, खासकर तब जब आपके लिए जो आपके पास एप्लीकेशंस हैं वो जो 85,000 से ज़्यादा आई हैं। उसके लिए हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम लॉटरी सिस्टम यहाँ पे कंप्यूटराइज होता है जिसमें रैंडमली ये लोग पिक करते हैं। इस वीडियो में बात करते हैं कि ऐसे सवाल की जो मेरे दिमाग में एक्चुअली कभी नहीं आया, लेकिन एक मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा, वो मेरा फ्रेंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसके लिए सवाल पूछना मुझे लगता है कि बहुत सही भी था। उसने मेरे को पूछा कि ठीक है, ये जो वर्क परमिट में लॉटरी होता है, ठीक है, वो तुम बोल रहे हो कि एक कंप्यूटराइज लॉटरी होता है, लेकिन उस लॉटरी का एल्गोरिथम क्या है, कैसे वो डिटरमिन करता है कि किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अगर एक बंदा जिसने PhD किया हुआ और एक बंदा जिसने लेट्स से BCom किया हुआ है, तो उन दोनों में कैसे डिटरमिन करता है ये तुम्हारा लॉटरी सिस्टम कि PhD वाले बंदे को जो कि ज़्यादा क्वालिफाइड उसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो यार मैंने थोड़ा सा उसके क्वेश्चन सुनने के बाद थोड़ा रिसर्च किया और थोड़ा USCIS की साइट पर भी पढ़ा थोड़ा बहुत। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगेन मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ, मैं 2014 में अमेरिका आया था और तब से यहाँ पे हूँ और ख़ुद मैं H1b पे हूँ, और थोड़ा यहाँ के आने के बाद मेरे को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुआ चीज़ों का। बाकी थोड़ा मैंने USCIS की वेबसाइट पर पढ़ा ये क्वेश्चन सुनने के बाद, थोड़ा R&D किया, और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग वो है वो ये है कि ये काफ़ी एक थोड़ा सा आई थिंक डिसअपॉइंटिंग है आंसर कि इस जो ये बिल्कुल एक कंप्यूटराइज रैंडमाइज लॉटरी है। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम इसमें कंसिडर नहीं करता है कि आपने PhD किया है या आपने BCom किया है, एक रैंडम लॉटरी है। और हालांकि कुछ रिसेंटली प्रोविजंस आए थे, मतलब सजेस्टेड कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो ज़्यादा क्वालिफाइड बंदा है या जो ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा है जो इस देश की अमेरिका की इकॉनमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, ऑब्वियसली उसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, जो कि बीइंग फेयर सही बात भी है। लेकिन अभी शायद बाइडन के प्रेसिडेंट बनने के बाद उस पर डिले हो गया था, और मेरा जहाँ तक मैंने पढ़ा है अभी जो है वो इस चीज़ का जो प्रोविज़न है ये डिले हो गया 31 दिसंबर 2021 का। अब उसके बाद ये प्रोविज़न अप्लाई होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑफ कोर्स अमेरिकन सरकार जो भी अपनी कंट्री के हित में डिस्कशन या डिसीजन लेगी वो देखना होगा कि वो क्या डिसीजन आता है। लेकिन फ़िलहाल आज की डेट में जो कि है September 2021, इट इज़ एन एब्सोल्युटली कंप्यूटराइज्ड लॉटरी जिसमें रैंडमली लॉटरी में पिकअप होता है कि किसका नंबर आएगा तो किसका नंबर नहीं आएगा। अब मैं कहूँगा यार ये एब्सोल्युटली लक की ही बात है, ठीक है। मैं फॉर्चुनेट रहा कि मेरा जब H1b फाइल हुआ तो पहले ही बार में मेरा पिक हो गया लॉटरी में, और मैं विश करता हूँ आपको भी लक कि आपका अगर लॉटरी में जा रहा है तो आई होप कि आपका भी पिक हो जाए। और नेक्स्ट ईयर देखते हैं, अगर कुछ एजुकेशन या टैलेंट बेस्ड अगर आता है तो जो कि बहुत ही अच्छा होगा, खासकर जो लोग रियल में टैलेंटेड हैं उनके लिए। तो अनफॉर्चुनेटली टू एंड दिस वीडियो आई रिपीट कि जितना मैंने पढ़ा है, जितने मेरी अंडरस्टैंडिंग है, देर इज़ नो स्पेसिफिक एल्गोरिथम। आई मीन ऑफकोर्स अगर उनको रैंडमाइज करना है तो कुछ रैंडमाइजेशन का एल्गोरिथम तो होगा, लेकिन देर इज़ नो सच एल्गोरिथम विच डिफाइंस कि अगर इस बंदे ने ये हायर डिग्री या ये हायर एजुकेशन या इसका एक्सपीरियंस अगर अच्छा है या इसका टेक्नोलॉजी स्किल सेट अच्छा है तो इसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए दूसरे को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा एल्गोरिथम मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नहीं है। इट इज़ एन एब्सोल्युटली रैंडमाइज कंप्यूटराइज लॉटरी। सो आई विश यू लक। आपके कोई सवाल हैं तो H1b फन करके एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ फेसबुक में, मैं एड्रेस में नीचे डाल दूंगा उसका, आपको अगर इंटरेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे आपके जैसे कुछ और देसी भाई वहाँ पे हैं जो आपकी हेल्प करना चाहेंगे। अगेन मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि 7-8 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, खुद H1b पे हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यू मे कंसिडर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग कॉमेंटिंग और शेयरिंग दिस वीडियो। और बाकी तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और बात करते हैं H1b के एंड टू एंड प्रोसेस की कि कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे ख़त्म करता है, ठीक है। चलिए आप जहाँ भी हैं खुशहाल रहें, खुश रहें, सेफ रहें, और टेक केयर। बाय बाय।